हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनको समझने के लिए हमेशा आपको वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आपको मिलेंगे। और सेकंड चीज ये होती है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है कि कोई सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया है, वो कार्य उसने पास्ट में शुरू किया था और उसने प्रेजेंट में खत्म किया है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, तो इससे समझ में आता है कि आई हैव ईटन माय फूड। मैंने अपना खाना स्टार्ट किया था और मैंने अपना खाना खा चुका। तो इससे समझ में आता है कि कोई वर्ब स्टार्ट होता है कहां पे, पास्ट में, और फिनिश होता है प्रेजेंट में। तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनका जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। और सेकेंड चीज, Has और have कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। He, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग has का यूज करते हैं। I, you, we, they प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा have का यूज करते हैं। Now आपको जैसे पता है कि किसी भी टेंस के जो चार सेंटेंस में हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, तो आज भी मैं उसके फोर सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। और जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के लिए आपको याद करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा आपको याद रखने है ये फॉर्म, जब जाके आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नाउ हम एग्जांपल देखते हैं कि तुम अपना काम पूर्ण कर चुके हो। तो इसका ये मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपना काम पास्ट में शुरू किया था और प्रेजेंट में खत्म किया और उसका इफेक्ट अभी भी है। तो यू हैव, यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। यू हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म हो गया, कंप्लीटेड भी सेकेंड फॉर्म है और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म भी है। तो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम पूर्ण कर चुके हो। ओके, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। स्टूडेंट्स, आज जो है, आज जो इसके बाद जो तीन प्रकार के हमारे जो सेंटेंस बचे हुए हैं वो आपके लिए एक वर्क है। आपको ट्राई करना है कि हम किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट को निगेटिव चेंज कर सकते हैं और जो हमारा इंट्रोगेटिव है उसमें किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए, अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के जो तीन एग्जांपल्स हैं वो आराम से आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिले और जिससे कि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें।